Morning students, today we learn some more built-in functions we operate on list. So built-in functions in list. As we know, list is a sequence of data items or elements, and the built-in functions are the functions which are already created and stored in Python's library. And these functions we just call them and operate on the list. ठीक है, हम सिर्फ इन built-in functions को सिर्फ call करते हैं और अपने जो list है उसके ऊपर apply कर देते हैं. फंक्शंस क्या है हमारे? फंक्शंस हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं विच वी आर क्रिएटेड फॉर आर रिक्वायरमेंट्स. अब सपोज हमें ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है हमें 1 2 3 4 5 6 ऐड करना है, तो हम हर पर ऐड का ए प्लस बी लिखेंगे. उससे बेटर है कि हम एक बार ये फंक्शन बना के रख लें और जब हमारी रिक्वायरमेंट हो हम इसको कॉल कर लें. जैसे हम इनपुट फंक्शन यूज करते थे, इनपुट फंक्शन से हम यूजर से इनपुट लेते थे. ये फंक्शन हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, वी जस्ट यूज इट फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर. ऐसे हमारा प्रिंट फंक्शन, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, बिल्ट इन फंक्शन है विच वी यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन अ आउटपुट स्क्रीन. सो बिल्ट इन फंक्शन ऑन लिस्ट जो यस्टरडे हमने पढ़ा था इंसर्शन के लिए, बिल्ट इन फंक्शन जो यूज होते हैं टू एड एन एलिमेंट इन अ लिस्ट. एक हमारा अपेंड फंक्शन था विच इज यूज टू एड अ सिंगल एलिमेंट. फिर हमारा एक्सटेंड फंक्शन था विच इज यूज टू एड अ सिक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स और अ लिस्ट इन टू अ लिस्ट. और थर्ड हमारा था इंसर्ट फंक्शन. एक पर्टिकुलर पोजिशन पे अगर आपको एलिमेंट को एड करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट फंक्शन यूज करते थे. तो आज हम पढ़ेंगे रिवर्स फंक्शन. रिवर्स फंक्शन हम यूज करते हैं अगर हमें लिस्ट को रिवर्स करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिवर्स फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिस्ट है 24 5 6. अब हमने इसको रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब अपोजिट करना है, तो हमारे पास नई लिस्ट क्या आ जाएगी 6 5 4 20. और रिवर्स करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं रिवर्स. अब रिवर्स का सिंटेक्स है रिवर्स फंक्शन का, नेम ऑफ द लिस्ट, लिस्ट नेम डॉट रिवर्स. जिस लिस्ट को आपने रिवर्स करना है उस लिस्ट का नाम डॉट रिवर्स फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है, इसको हमने रिवर्स करना है, तो हमने लिखा एल डॉट रिवर्स. तो जब हमने इसको प्रिंट कराया, रन कराया, तो हमारे पास आउटपुट आ गया ये हमारे पास आउटपुट आ गया. तो थ्रू रिवर्स फंक्शन हमने एक लिस्ट को रिवर्स करा दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन वी यूज इज इंडेक्स फंक्शन. इंडेक्स फंक्शन है, अब सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, हमने यहाँ पे लिस्ट लिखा 2 1 4 1 5 6 और हमने किसी पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स फाइंड करना है. इंडेक्स मीन्स किस पोजीशन पे वैल्यू स्टोर है, हम इनकी नंबरिंग के लिए यूज करते हैं इंडेक्स. तो हमें इंडेक्स फंक्शन हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स फाइंड करने के. सपोज हमने 1 का फाइंड करना है, हमने फाइंड लिखा इंडेक्स ऑफ 1, हमने वो वैल्यू दे दी जिस वैल्यू का हमने इंडेक्स फाइंड करना है. तो ये जो फर्स्ट अक्रेंस होगा, अब लिस्ट में अब 1 जो है 1 2 3 बार भी आ सकते हैं, जैसे इसी लिस्ट में हमारा 1 2 times आया. जब फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट अक्रेंस होगा इसका, उसका इंडेक्स से हमको रिटर्न कर देगा. तो फर्स्ट अक्रेंस इसका क्या है, 0 1 पोजीशन है, तो इसने रिटर्न कर दिया 1. अब सपोज मैंने यहाँ पे दिया मुझे इंडेक्स फाइंड करना है 6 का. अब 6 का इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 means 5. इट मीन्स अगर सपोज हमारा जिस वैल्यू का हम इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं वो हमारी लिस्ट में 2 or 3 times आया है, तो जो उसका फर्स्ट अक्रेंस होगा, मीन्स जो फर्स्ट टाइम वो हमें ट्रेवर्सिंग के लिए मिलेगा, वो हम इंडेक्स उसको रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो सपोज हमने अगर 1 दिया है तो 1 हमारा लिस्ट में 2 times आया है, तो दोनों का इंडेक्स नहीं बताएगा वो, जो उसे फर्स्ट टाइम इंडेक्स मिला
हमने ट्रेवर्सल स्टार्ट की फ्रॉम जीरो पोजीशन, जीरो से हम वन पे गए, वन पे हमें वन वैल्यू मिला, इसने इसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर दिया. तो इंडेक्स इज यूज टू रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस ऑफ डेट, रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ डेट पर्टिकुलर आइटम. अब इसका सिंटेक्स है, लिस्ट, वो लिस्ट नेम जिसका आपने जिसकी वैल्यू का इंडेक्स आपने फाइंड करना है, डॉट इंडेक्स एंड आइटम, वो आइटम जिसका इंडेक्स आपने फाइंड करना है. इन दिस वे वी कैन यूज इंडेक्स फंक्शन. नेक्स्ट वी हैव, सपोज हमारे पास एक लिस्ट है एक्स इज इक्वल्स टू फाइव. ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट है या एक्सट्रीम वैल्यू है हमारे पास. हमने इसमें प्रिंट एक्स डॉट इंडेक्स, यहाँ पे हमारा जो एक्स है वो हमारा लिस्ट है डॉट, और हमें फाइंड करना है टी का इंडेक्स. तो ये हमें टी की पोजीशन जीरो वन टू यानी कि टू रिटर्न कर देगा. टू पोजीशन पे टी है जब हमने इसको प्रिंट कराया तो. अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम यूज करते हैं लेंथ फंक्शन. We use length function. Length function is used to find the length of the string. Length of the list. Length function हम string में भी use करते थे, string में भी हम length function से string की length find करते थे. Same as it is, list में भी हम length function use करते हैं for finding the length of the list. Suppose हमारे पास L is equals to 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट है. अब हमने लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी है. लेंथ मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स एक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो बताता है लेंथ ऑफ लेंथ फंक्शन. हमने अप्लाई किया लेंथ ऑफ एल, तो इसने हमें रिटर्न किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट. इसके अंदर फाइव एलिमेंट्स है तो इसने रिटर्न कर दिया हमको फाइव. तो लेंथ फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द लिस्ट. नेक्स्ट हम फंक्शन यूज करते हैं फॉर अपडेटिंग आर लिस्ट. हमें अपनी लिस्ट को अपडेट करना है, उसके लिए फॉर अपडेटिंग आ लिस्ट. अपडेटिंग मीन्स हमने मॉडिफाई करना है. सो अपडेट मतलब जैसे सपोज हम अपने फोन को अपडेट करते हैं तो जो एडवांस वर्जन आए हैं उनको अपने उस ऐप में या उस फोन में डालने के लिए हम अपडेशंस करते हैं. अपने आप को अपडेट हम करते हैं कि नई चीजें सीखें, इसलिए हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं. ऐसे ही अगर हमने अपने लिस्ट है, लिस्ट को अपडेट करना है, तो उसके लिए हम क्या मेथड्स यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे अपडेटिंग द लिस्ट. सपोज हमारे पास लिस्ट है 1, 2, 3 इसके अंदर वैल्यूज है एंड वी वांट टू अपडेट दैट, वी वांट टू रिप्लेस. हम चाहते हैं हमारे पास अब 2 की जगह 6 आ जाए, हम इसे अपडेट करना चाह रहे हैं, चेंजेस मॉडिफाई करना चाह रहे हैं. तो उसके लिए वी कैन राइट एल इंडेक्स वैल्यू लिस्ट नेम, लिस्ट का नाम, लिस्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे वो इंडेक्स वैल्यू जिसको आपने रिप्लेस करना है, ठीक है, इक्वल्स टू वैल्यू, वो डेटा आइटम या वो वैल्यू जिससे आपने रिप्लेस करना है. अब मुझे 2 को रिप्लेस करना है 6 से, तो 2 का इंडेक्स है 0, 1, तो लिस्ट मेरी एल है, एल ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 6. तो अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट एल, तो मेरे पास जो नई लिस्ट आएगी उसके अंदर वैल्यूज होंगी 1, 6, 3. सो इन दिस वे वी कैन अपडेट अ लिस्ट. हम अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं. दिस इज अ सिंटेक्स फॉर अपडेटिंग अ लिस्ट. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, सपोज वी हैव अ लिस्ट L1 is equals to red, white, green, yellow. Suppose I have a list. ठीक है, अब मेरे पास ये लिस्ट है. अब मुझे रिप्लेस करना है व्हाइट को ऑरेंज से.
I can write L1 of 1 is equals to orange. L1 is equals to orange. मैंने इसे प्रिंट कराया, प्रिंट ऑफ L1, तो आउटपुट आ गया रेड, व्हाइट, ग्रीन, येलो. सॉरी, व्हाइट की जगह रिप्लेस हो गया ऑरेंज से, तो नई लिस्ट ये आ गई. सो इन दिस वे वी कैन अपडेट अ लिस्ट. सो दीज आर द फंक्शंस विच वी लर्न. ये हम आर फंक्शन से आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़े हैं, नेक्स्ट फंक्शन हम वी विल स्टडी लेट. सो थैंक यू वेरी मच.